हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस यस। सर। ओके, ये आप इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट आपको पूरा पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। ये थ्योरिटिकल क्लासेस होंगे, वीक के ऊपर मत जाइए, ये वीकेंड क्लासेस के लिए। अगर वो रेगुलर क्लास होगा तो वो रेगुलर क्लास में वो टाइमिंग वगैरह आपको सारी चीजें भेज जाएगी। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ेगा, ये पूरा आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जिसमें 68 आवर्स का थ्योरी क्लास होगा, वो ऑनलाइन होगा। राइट, क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर। इसको नोट भी कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। फिर इसके बाद आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, ये आपका डे वन, डे टू, डे थ्री और डे फोर, ये 4 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ये 4 डेज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी विद लाइव पेशेंट, यानी कि इसके अंदर डे वन, डे टू, थ्री, डे फोर के अंदर ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपका लाइव प्रैक्टिक पेशेंट के साथ होगा, जिसके अंदर आपका वाइवा भी होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। ये 100 आवर्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। बिहाफ ऑफ दिस सर्टिफिकेट यू कैन बी अ प्रैक्टिस। क्लियर? अच्छा, जो इंटेंसिव कोर्स में है उसके लिए थ्योरी का क्या होगा? वो ऑलरेडी वो थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, वो अगर वो चाहेंगे तो जो 7 डेज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो तो आपका 7 को, उसके बाद ये 4 डेज का अलग प्रोग्राम है, जो ये चाहेंगे उसको ये ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो इंटेंसिव कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको अलग से थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 4 डेज एडवांस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ कायरोप्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? ओके सर, यस सर। एनीथिंग एल्स? आप में से कुछ लोग कुछ जानना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इसके बाद हम लोग वेबिनार के स्टार्टिंग करें, क्योंकि अभी आप लेक्चरर से पूछेंगे तो वो लेक्चरर का काम क्या होता है कि वो आपको टॉपिक के बारे में बताएगा कि व्हाट इज अ कायरोप्रैक्टिस। आप इंट्रोडक्शन है कि कैसे आप अपने आप को ट्रेन करेंगे। तो इफ एनीवन हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज। हेलो, आप लोग बोलते नहीं है यार, क्या बात है, हेलो। नाराज रहते हैं, बोलते नहीं है सर। आप लोग हाँ बोलिए, प्लीज सर। बोलिए। सर आप अपना जो 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्रैक्टिकल, जिसमें एक्यूपंक्चर और एक 1 डे का कायरोप्रैक्टिक है। नहीं, वो 7 डेज का जो प्रोग्राम है वो आपको मैं आपको बताऊं, वो एक्यूपंचर, वो 7 डेज में भी, बात को बहुत ध्यान से सुनिए। किसका क्वेश्चन है? मेरा है सर वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी, आप ऑलरेडी थ्योरी क्लास कर रहे हैं, राइट? यस सर, यस सर। अब आपका ये पूरा जब कंप्लीट होगा तो वो 7 डेज वो ट्रेनिंग प्रोग्राम किसका है, जो आप इंटेंसिव कोर्स आप एक्यूपंचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें वो हाँ जो वो 7 डेज होगा, वो 7 डेज आपका बेस होगा एक्यूपंचर, ओके, राइट? उसके अंदर यस सर। एक्यूपंचर में लोकेशन, इंसर्शन, टेक्निक्स ऑफ निडिल, मौके बच्चन, कपिंग, वो सारी चीजें आपको, वो 7 डेज वो बेस होगा आपका एक्यूपंचर। ये जो 4 डेज का यस जो सर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ये 4 डेज इसका जो बेस होगा वो होगा कायरो, कायरो। ओके सिर्फ सर, कहो, ओनली कहो। राइट? ओके सर, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो कायरो का जो थ्योरी क्लास, वो ये कोर्स थ्योरी का इंटेंसिव कोर्स वालों के लिए जरूरत नहीं है? नहीं है, थ्योरी के लिए इंटेंसिव कोर्स वाले की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पढ़ाया जाएगा, ओके ओके सर राइट? जी, बिल्कुल अभी क्लियर हो चुका है मेरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का है, अब आप ये बोलिए कि नहीं अभी मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, अभी मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, आप कीजिए, मैं आपको वेलकम कर दो, आप पे कीजिए कीजिए, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए वो आपके अंदर नहीं आ सकती, राइट? यस सर। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऐसा कि 68 आवर्स का कोर्स मैंने, मुझे थ्योरी नहीं करना, मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल करना, मैं बिल्कुल उसके लिए कोई भी अश्योरिटी मेरे साथ आपको नहीं दूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा, कोई अश्योरिटी नहीं दूंगा। जैसे मैंने बोला ना कि आप ये 100 आवर्स का कोर्स करने के बाद आपके साथ एक अश्योरिटी रहेगी कि आपने ये कोर्स किया, आपका एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, थ्योरी होगा, वाइवा होगा, ये सारी चीजें होने के बाद तब आपको कैरो प्रैक्टिस का वो मिलेगा, राइट? क्लियर? सर वन नहीं सर, मुझे वापस एक बार ये पूछना है आपको। तो वी आर डूइंग राइट नाउ इंसेंटिव प्रोग्राम, तो इसमें हम नहीं करेंगे थियरिकल, तभी भी हमारे ये वो एलिजिबिलिटी होगी, राइट सर? किसका क्वेश्चन है, नाम के साथ बता दे। मौसमी कोटेचा, अच्छा डॉक्टर बदानी, यस बोलिए, क्या बोल रही है? मैं ये बोल रही थी सर कि अगर हम अभी इंसेंटिव कर रहे हैं, राइट सर, तो उसके हाँ साथ हम थियरी नहीं करते तो हमें चलेगा कि हमें भी करना जरूरी है? नहीं, जो ऑलरेडी इंटेंसिव कर रहे हैं उनको थ्योरी की जरूरत नहीं, अगर उनको अलग से कायरो का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना तो वो 4 डेज का अलग से लेंगे, राइट? ओके सर, ओके, वो ऑलरेडी आपकी थ्योरी में है, यस सर, ओके यस सर। ओके चलिए, ओके माय डियर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब आप लोगों को मैं मिलवाता हूँ कैरोप्रैक्टिक में, हमारे क्या जो फैकल्टीज हैं। हाँ आपको अपने, मुझे पता है इसीलिए तो नाम नहीं देता भाई, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं, हमारे क्या एक्यूपंचर फैकल्टीज के अंदर डॉक्टर इदिस एज एक्यूपंचरिस्ट मेरे साथ द राइट हैंड, अभी एक्यूपंचर मॉक्सिबस्टन कपिंग हिजामा ये सारी चीजों में डायग्नोसिस में डॉक्टर इदिस मेरे साथ हैं। उसके बाद जैसे कायरो की बात आती है तो डॉक्टर जुबैर इज ऑल्सो माई द कायरो का राइट हैंड इज एक्यूपंक्चर का राइट हैंड, इसको लेफ्ट और राइट नहीं कह सकते, कायरो का राइट और एक्यूपंक्चर। तो कायरो में डॉक्टर जुबैर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मस्कुलर स्केलेटन है। अभी मैं ये नहीं कहता कि अभी आरएसएम एक्यूपंक्चर के लेक्चरर है तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको प्रॉमिस के साथ कहता हूँ, दावे के साथ जिसको बोलते हैं, कि हमारे के जो भी इंस्टीट्यूट के जो भी लेक्चरर है वो अपने तन मन यानी कि वो सोचते हैं कि आपको क्या दे दूं, यानी कितना पॉसिबल हो जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और आप सीख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते, राइट? क्लियर? यस सर। ओके, तो मैं अभी डॉक्टर जुबैर को बोलता हूं कि कैरो सीखने के लिए, मैं अब यहां पर दो चीजें हैं कि कैरो को सीखने के लिए आप कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक डॉक्टर एक क्वेश्चन है, अभी आप बोलते हैं ना कि मैं सर ये 100 आवर्स का कोर्स करने के बाद क्या कायरो प्रैक्टिस प्रैक्टिस को लीगल रूप में प्रैक्टिस कर सकता हूं? यस, दो आर मेडिकल बैकग्राउंड, आंसर इज दो आर द मेडिकल बैकग्राउंड। अब एक 12th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट अगर वो 100 आवर्स का कोर्स कर लेता है, ही कैन बी प्रैक्टिस, लेकिन वो एक क्या होता है कि एक आपके पास लीगल बैकग्राउंड होता है,
जैसे फिजियोथेरेपी से, अभी बोलेंगे नहीं कि अभी फिजियोथेरेपी के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक डॉक्टरेट प्रोग्राम होता है, एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। दिस इज अ सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट अ डिप्लोमा, नॉट अ डिग्री। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल बैकग्राउंड वाला होगा, ये किसी भी, आपको मेडिकल में जाने के लिए 4 साढ़े 4 साल लगता है। यहाँ 4 साढ़े 4 हफ्ते में आप डॉक्टर बनना चाहेंगे वो कभी भी पॉसिबल किसी भी फील्ड में नहीं होता। मैं नहीं, वर्ल्ड का कोई भी इंस्टीट्यूट कहता कि मैं आपको 3 महीने में डिप्लोमा करके आपको बना सकता हूँ, वो कुछ नहीं। आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कायरोप्रैक्टिक इन 10 डेज, इसके लिए दो दो अंदर डॉक्टर्स मेडिकल बैकग्राउंड। आप 12th की, आपने मोर देन 1,50,000 पे किया, आपने सर्टिफिकेट ले लिया, आपको मसल के बारे में नहीं पता है। मसल होती क्या, बोन क्या होता है, जॉइंट्स क्या होता है, किस जॉइंट पे किस कंडीशन पे कितना मोबिलाइजेशन होना है, वो नहीं पता है तो आप ये करेंगे क्या। सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं, मुझे ये पता ना कि ये इसकी एक कैपेसिटी की रेंज है, इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट। जब मुझे इसके बारे में, एक ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने में 8 से 10 साल लग जाता है, 8 से, एक डॉक्टर 5.5 साल में निकलता है, फिर वो क्या करता है, इंटर्नशिप करता है, फिर वो अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करता है, तो वो 10 साल के बाद फील्ड में आता है। उसके बावजूद भी वो डॉक्टर लास्ट में क्या बोलता है कि मैं आपकी डायग्नोस नहीं कर पाया, और वो क्या करता है, वो डायग्नोस करने में नहीं हो नहीं कर पाता, तो कहाँ भेजता है आपको, डायग्नोसिस सेंटर भेजता है, अल्ट्रासोनोग्राफी निकालता है, एक्सरे निकलवाता है, एमआरआई निकालता है, उसके बावजूद भी ये समझ में आता है कि नहीं, अभी आपकी डिजीज नहीं पकड़ में आती है, पता है सर। तो ये सारी चीजें करने में आप कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं, मैंने जो कर लिया मैं मास्टर हो गया। एजुकेशन है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर ने इंट्रोडक्शन कर दिया गुड है। आफ्टरनून माय सर। नेम इज जुबैर पटेल। आई एम लीडिंग द मस्कुलोस्केलेटल डिपार्टमेंट इन आरएसएम कॉलेज। तो मेरा बेसिक बैकग्राउंड फिजियोथेरेपी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, एक्यूपंक्चर। तो आज मैं अपने आप को एज अ स्पेशलिस्ट कायरोप्रैक्टर आपके सामने लेक्चर में आया हूँ, लेकिन मेरा काम इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी एंड माइंड बॉडी मेडिसिन। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक कायरोप्रैक्टिक की बात है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल थिंग अबाउट कायरोप्रैक्टिक, इंट्रोडक्शन ऑफ कायरोप्रैक्टिक। किसी को पता है कायरोप्रैक्टिक होता क्या है? कोई भी बोल सकता है। आवाज ब्रेक हो रही बिल्कुल बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। सर, नेटवर्क का कुछ इशू है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज ब्रेक होके आ रही है। एक मिनट जरा चेक करते हैं। आ रही आवाज? Sir, क्लियर in है? which trained special instrument to apply joint and the कोई कुछ कह रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, आवाज ब्रेक होके आ रही है। Am I audible to everyone or is my sound breaking? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. You are Yes. audible, and I really want to know what is the care of. So just give me a moment. क्या बोल रहे, हमारा आवाज का कोई प्रॉब्लम बात कर रहा है। हाँ तो अभी नॉइज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू।
क्लियर क्लियर है, क्लियर है। तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे लोगों के माइक ऑन है जिसके कारण बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। एक जन जो भी बोल रहे थे उनके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है। हाँ ओके ओके ठीक है। तो एनीवेज मैं ही आगे बढ़ता हूँ ओके क्योंकि काफी सारे लोग एक साथ बात करेंगे तो वही गड़बड़ होती है। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, वीडियोज ऑफ कर लीजिए तो रिसेप्शन आपका क्लियर रहेगा। हम बात कर रहे हैं कायरोप्रैक्टिक की। कायरोप्रैक्टिक को समझने के लिए सब में पहले आपको समझना है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। उसका सब में बेसिक है ह्यूमन स्केलेटन। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ह्यूमन स्केलेटन, हमारे पास हमारे लाइव मॉडल भी है। तो आप देख सकते हैं वी आर जस्ट अ बैग ऑफ बोन्स और ये साहब खड़े हैं स्टैंड पे। अपने लैब में देखा होगा या इनको जैसे देख रहे हो ये स्टैंड पे है या कोई ऊपर से लटका हुआ होता है। क्या हमको ऐसे कुछ है? हम स्टैंड पे नहीं है, हम लटके हुए नहीं है। तो हाउ आर वी स्टैंडिंग इरेक्ट? बिकॉज ऑफ द मसल्स। स्ट्रक्चर होता है बोन्स, उसको स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए काम आती है मसल्स। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। व्हाट कायरोप्रैक्टिक इज डूइंग इज एड्रेसिंग द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम थ्रू द स्ट्रक्चर दैट इज स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट्स होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए तो मैं आपको समझा सकता हूं कि एग्जैक्टली कायरोप्रैक्टिक होता क्या है, हम आगे उसमें करते क्या है, वो कैसे बॉडी को इफेक्ट करता है एंड हाउ यू हैव पेन एंड बिकम पेन फ्री। तो ह्यूमन स्केलेटन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मेनली, एक्सियल स्केलेटन और नेक्स्ट होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पर दोबारा आपको दिखा रहा हूं, तो ये है एक्सियल स्केलेटन, मतलब जो बीच का पार्ट है ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये बीच का पार्ट जो है ये आपका हो जाता है एक्सियल स्केलेटन और ये जो साइड्स है और पैर है ये होगा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये आप देख सकते हैं पूरा बीच का पार्ट यहाँ आ गया है योर एक्चुअल स्केलेटन। सो इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? स्कल, वर्टेब्रल कॉलम एंड बोनी थोरैक्स। स्कल सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। वर्टेब्रल कॉलम जो आप देख रहे हो, हमारी स्पाइन जो है, स्पाइन का जो ढांचा है जो बोन्स का बना हुआ है, वन बोन स्टैक अप ओवर द अदर, ये दिस इज अ स्टैक ऑफ बोन्स। ये है आपका वर्टेब्रल कॉलम। एक सिंगल बोन को कहते हैं वर्टेब्रा, पूरा जो स्टैक है उसको कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स है, जैसे आप देख सकते हो ये ऊपर के जो सात बोन्स है उसको सर्वाइकल कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक जो बीच के बोन्स है उसको थोरैसिक कहते हैं और जो लास्ट नीचे के इधर बीच के हैं वो लंबर। यहाँ पर ये पांच फ्यूज वर्टिब्रा है जिसको सेक्रम कहते हैं और राइट एट द एंड जो टेल बोन है तीन या चार फ्यूज वर्टेब्रा होते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर स्पाइन। राइट
कायरोप्रैक्टिक मेनली स्पाइन पे काम करता है, उसका बेसिस स्पाइन से मेनली रिलेटेड है, जिसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं एक सिंगल वर्टेब्रा, ये समझना जरूरी है, तो इसके आगे आप समझ सकते हो कि हम स्पाइन में क्या कर रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक एग्जैक्टली कर क्या रहा है। जो वर्टेब्रा होता है ये एक रिंग की तरह है, इमेजिन ये मैंने इसमें उंगली डाली है, ये उसका स्टोन है, तो ऐसे मैंने सपोज हाथ डाल दिया, उंगली डाल दी, ये रिंग पहना है, तो ये स्टोन का पार्ट नीचे है और ये ऊपर अंदर के साइड का पार्ट। ये एक पूरी रिंग होती है जिसका नीचे का पार्ट ये एक्चुअली ऊपर आना चाहिए, अगर हम रिंग की तरह देख रहे हैं तो ये स्टोन का पार्ट समझ लीजिए, डायमंड का पार्ट, दिस इज द वर्टेब्रल बॉडी। इससे कनेक्टेड जो पार्ट्स है, यहाँ पर पहला आता है पेडिकल, फिर ये दो प्रोजेक्शन है, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, और सब में बीच में ये जो है स्पाइनस प्रोसेस है। तो आप बैक जब किसी पेशेंट की फील करते हो, जो बोन के पॉइंट्स आपको बैक पर समझ में आते हैं, जो आप प्रेस करते हो, वो ये होता है स्पाइनस प्रोसेस। आप पूरा बोन टच नहीं कर रहे, सिर्फ ये टिप को टच कर रहे हैं, दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द वर्टिब्रा। तो आप ये पॉइंट्स को टच कर रहे हैं। दूसरा पार्ट ये जो है, इसकी हमको काफी जरूरत होती है, ये जो है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। आर्टिकुलर प्रोसेस मतलब जो पार्ट जॉइंट बनाता है, तो एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के ऊपर लगा हुआ है, एक के ऊपर एक, तो जो पार्ट इन दोनों को जुड़ने में, जो पार्ट कांटेक्ट में आता है, ये ऊपर वाला वर्टिब्रा, ये नीचे वाला, तो ये सरफेस, दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस, यहां से इस पॉइंट से जुड़ता है, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, सिर्फ यही पॉइंट से जुड़ता है। ऐसे ही दो वर्टिब्रे इसी पॉइंट से जुड़ते हैं, ये है आर्टिकुलर प्रोसेसेस, जो एक से दूसरा वर्टिब्रा इसे ज्वाइन कराता है। ये जो पार्ट है इसको लैमिना कहते हैं, दोनों साइड है, वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पार्ट्स दैट वी नीड टू सी। ये लैमिना जो है इसकी काफी जरूरत होती है, बाद में जब हम बात करेंगे कायरोप्रैक्टिक के आगे का स्टेप जो डॉक्टर्स करते हैं, वो यहाँ पर काम होता है, लैमिनेक्टमी की जाती है डीकम्प्रेशन के लिए, हम आगे बात करेंगे उसकी। यहाँ पर अभी आप ये ध्यान दीजिए बस, ये वर्टिब्रल बॉडी है, आर्टिकुलर प्रोसेसेस है, ये पेडिकल है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये लैमिना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे किसकी, एक्सियल स्केलेटन की, स्कल आ गया, स्पाइन आ गया, तीसरा पार्ट ये है बोनी थोरैक्स। बोनी थोरैक्स में पूरा रिबकेज आ जाता है, रिबकेज इज नॉट जस्ट द रिब, बोनी थोरैक्स इज नॉट जस्ट द रिब, इट इज अलॉन्ग विद द वर्टेब्रे, थोरैसिक वर्टेब्रे एट द बैक, ये पूरा जो रिब का एरिया है, दिस इज द थोरैक्स, नॉट जस्ट द रिब, नॉट जस्ट दीज रिब्स ओवर हियर, सिर्फ इतना नहीं है, पीछे का थोरैक्सिक
वर्ट ग्रेड भी है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्शियल स्केलेटन, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम एंड बोनी थोरैक्स। रिब्स आप देख सकते हैं, टोटल कहने के लिए तो है 12, पहले 7 ट्रू रिब्स है क्योंकि डायरेक्ट जॉइंट होते हैं, बाकी के 8 से लेकर 10 नंबर वो यहाँ पर एक दूसरे में मिल के ज्वाइन होते हैं। ये सिंगल सिंगल ज्वाइन हो रहा है, देखिए ये सिंगल ज्वाइन हो रहा है, पहले नीचे के हैं ये दो दो करके तीन तीन करके ऐसे एक साथ ज्वाइन, और लास्ट में होता है फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12, ऐसे करके 12 रिब्स होते हैं। These are three parts, sternum, ribs and thoracic vertebrae. Sternum ये आपका बीच का पार्ट आ गया, और thoracic vertebrae मैंने दिखा दिया आपको अभी, and last is the ribs which you can see. दूसरा पार्ट हो गया skeleton का, appendicular skeleton. तो इसमें सारे ये सर जो बोलियो प्रॉब्लम है। हेलो yes सुनाई दे रहा है, ओके। दूसरा है एक्चुअल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में ये आपके सारे हैंड्स एंड लेग्स जो हम कहते हैं, उसको मेडिकल टर्म में हम कहते हैं अपर लिम एंड लोअर लिम। ये अपर लिम और लोअर लिम की पार्ट, इसमें आपके गर्डल्स, शोल्डर गर्डल्स आ गए, और ये आपके पूरे अपर लिम के बोन्स आ गए, यहाँ का पेल्विक गर्डल आ गया, और लोअर लिम के सारे बोन्स आ गए। तो स्कैपुला, क्लेविकल और फिर आपका ह्यूमरस बोन, ये आपका शोल्डर जॉइंट बनाता है, शोल्डर कॉम्प्लेक्स, फिर ह्यूमरस, फोरआर्म के दो बोन, रेडियस अल्ना और पूरे हाथ के बोन्स, वैसे ही पैर में जो है लोअर लिम जो हम कहते हैं पेल्विस है, पेल्विस 3 पार्ट का होता है, 3 बोन्स का, इलियम, ईशियम और प्यूबिस, और फिर उसके नीचे आता है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है,